जबलपुर जिले के बरगी के समीपस्थ ग्राम घाट पिपरिया के लोग ग्राम पंचायत की हठधर्मिता और निष्ठुरता के कारण ग्रामीणों को नल जल योजना के अंतर्गत की जाने वाली जल सप्लाई में दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। घाट पिपरिया गांव के लोगों ने बताया कि विगत 3-4 दिन पूर्व ही नल जल योजना का पानी जिस कुएं से सप्लाई किया जाता था उसमें बिल्ली गिर गई, जिसकी सूचना पंचायत सचिव, सरपंच और सहायक सचिव को दी गई, किंतु सहायक सचिव जो कि स्वयं घाट पिपरिया के निवासी हैं उनने भी इस विषय को हल्के में लेकर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण लोगों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। आज जब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी तब इसका पानी ग्राम में देना बंद किया गया। यदि समय रहते ग्रामीण सजग नहीं होते तो बड़ी संख्या में दूषित पानी पीने के कारण बहुत सारे लोगों के बीमार होने की आशंका भी थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सहायक सचिव ग्राम का होने के बावजूद भी पूरी पंचायत निष्क्रिय पड़ी हुई है। सभी ने इन पंचायत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भी पानी भरते हैं हम लोग, सेप्टिक टैंक का पानी आता है वहाँ पानी भरते हैं। नल जल सप्लाई योजना का पानी कुएं से किया जाता है, जिसमें विगत 4-5 दिनों से लगभग हो गया होगा कि बिल्ली की हालत जो है गल गई, उसका पानी जो है पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। आज जब सुबह यहाँ पर जो खेत है जिसका, वो आया था कुआं की सफाई कर रहा था तो उसमें देखा कि इसमें बिल्ली डली, तब उसकी जानकारी थी। इसकी जानकारी के बाद हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में भी शिकायत की है, 181 में शिकायत की है, श्रीमान कलेक्टर महोदय के व्हाट्सएप में, अभी ग्राम पंचायत से नंबर लिया, उसमें भी मैंने हम लोगों ने मैं भेजा है। हमारी ग्राम पंचायत घाटपरिया में जो नल जल योजना से कुआं से मोटर द्वारा सप्लाई की जाती है गाँव में पीने के लिए, उसमें करीब 4-5 दिन से विगत बिलैया मरी पड़ी हुई जो सड़गल गई, उसी जल को हमारे ग्राम पंचायत भाटपरिया में पानी पिलाया जाता है। मैं मीडिया द्वारा एवं समस्त अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि इससे बीमारी फैल सकती है और इस कुएँ के पानी को बंद किया जाए। पंचायत स्तर में इसकी पंचायत की ही लापरवाही है, टोटल पंचायत की, और पंचायत में जितने भी पदस्थ हैं उनके ऊपर कार्रवाई